हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर हार्वेस्ट चैनल। सो आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रॉबेरी की प्रोग्रेस के बारे में। सो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इस टाइम पे, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट दो महीने के हो चुके हैं जिस दिन हमने यहाँ पे इन प्लांट्स को लगाया था। तो 2 महीने के बाद आप देखिए, अब अच्छे से सेट हो गए हैं प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो अच्छे से सेट हो गई हैं, ग्रीन कलर की आ गई हैं, और इनकी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज है वो स्टार्ट हो गई है। सो ये जो है अभी का टाइम, ये 1 जनवरी का वीडियो है जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये 1 जन को इनकी फ्रूटिंग देखिए आप, यहाँ पे सारे के सारे फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर आ गए हैं। सो अराउंड 10 या 12 दिन के अंदर ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देंगे। सो फर्स्ट हार्वेस्ट हमारी होगी 10 से 12 दिन के बाद। कुछ गलतियां की थी हमने इसके अंदर, जिसके बारे में ज़रूर आपको वीडियो बना के और अपडेट करूंगा कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स फॉर योर स्ट्रॉबेरी फार्मिंग। तो ये देखिए, ये फ्रूट का शेप देखिए, एकदम प्रॉपर फ्रूट का शेप है। अभी थोड़ा और बड़ा होगा, उसके बाद में ये रेड होके हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ सैम्पल्स में भी आपको बताऊंगा वो भी। तो फर्टिलाइज़र की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइज़र मैं इनको फोलियर स्प्रे के थ्रू ही अभी दे रहा हूँ। अभी फ्रूट जो है थोड़ा और सेट हो रहा है। हमारे यहाँ पर टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मिनिमम और मैक्सिमम का। ये देखिए, ये रिप हो चुका है पूरा का पूरा आपका फ्रूट, हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा कल। सो नेक्स्ट अपडेट मैं आपको देता हूँ इसके अंदर कैसे क्या ये प्लांट की ग्रोथ रहती है। ये देखिए, ये फ्रूट बिल्कुल प्रॉपर शेप में और हार्वेस्ट करने के लिए तैयार। कुछ फ्रूट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रॉबेरी देखिए, अब हमने ऑर्डर किए थे अराउंड 7,500 प्लांट, जिसमें से ओनली 2,500 प्लांट हमारे जो हैं उन्होंने सर्वाइव किया। कुछ इश्यूज़ हुए थे, उन इश्यूज़ की वजह से वो जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा, उसकी वजह से जो हैं आधे हमारे प्लांट देखिए आप यहाँ पर मर गए। तो ठीक है, जितने प्लांट बचे हैं उनको पर प्लांट प्रोडक्शन करके भी अगर देख लें हम, तो हमें पता लग जाएगा एस्टिमेट कि हमारे एरिया में स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग किस टाइप से होती है। तो करके देख रहे हैं, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है और कैसे क्या इसके फ्रूट्स बैठते हैं। फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम फर्टिलाइज़र जो है इसके अंदर स्प्रे के थ्रू ही जाता है। ड्रिप के थ्रू हम सिर्फ इसमें ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड जो है वो देते हैं यहाँ पे। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन फ्रॉम फोलियर स्प्रे ओनली। चिलेटेड बोरॉन हो गया या कैल्शियम हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, ये सारी चीज़ें। वीडिंग वगैरह पूरी प्रॉपर हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट करवाई हुई है और अभी काम चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ध्यान दिया जाता है। कुछ प्लांट्स के इसमें रनर्स भी बने हुए हैं, वो रनर को भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखते हैं कि इसके रनर्स भी वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर फ्रूट साइज़ वगैरह ये सब। सो फर्दर अपडेट मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, एंड पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड हैव अ ग्रेट टाइम।